एनटीए ने ये चीज़ पूरी तरह से एग्री की कि जो ग्रेस नंबर 1563 स्टूडेंट्स को दिए थे वो पूरी तरह से उन्होंने एग्री किया कि बच्चों के अंदर डिसेटिस्फैक्शन लेके आया और कहीं ना कहीं ये गलत था। तो काफ़ी लंबे से समय से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे कि पहली बार ग्रेस नंबर क्यों ले आए, पहले क्यों ले आए। तो उन्होंने खुद एग्री कर लिया कि ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। अब उनका ये प्रपोजल था कि इन 1563 स्टूडेंट्स को हम ऑप्शन देते हैं दूसरी बार एग्ज़ाम देने का, प्रॉबेबली 23 जून को। अब या तो ये री एग्ज़ाम दें ये बच्चे, या इनका चॉइस है री एग्ज़ाम ना दें और जिनके ओरिजिनल नंबर थे वो इनके रह जाएंगे, ग्रेस वाले नहीं रहेंगे। बट अभी भी दो मुद्दे इसके अंदर ओपन रह गए। पहला, वो बच्चे जो माननीय हाईकोर्ट नहीं पहुंच पाए थे कि उनका समय का नुकसान हुआ है, उनको तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिला, सिर्फ उन्हीं बच्चों को री नीट का एग्ज़ाम मिल गया दूसरी बार जो माननीय हाईकोर्ट पहुँचे थे, जिनका समय का नुकसान है, जिनको ग्रेस नंबर, तो बाकी लोग के लिए कोई विंडो नहीं खुली है। तो यहाँ पर एक चीज़ है जो फेयर नहीं लग रही है। दूसरी चीज़ ये लगती है कि जब एनटीए खुद एग्री कर रहा है आ जाके कि हमने 1563 स्टूडेंट्स को जो ग्रेस दिया वो पूरी तरह से सही नहीं था, गलत था, तो और कितनी डिस्पेरेंसीज हो सकती है उसके अंदर, इसके ऊपर भी देखना चाहिए। क्योंकि उन्होंने ये चीज़ बिना किसी के परमिशन के अपने आप ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट लाया ला दिया। क्या पास में भी ऐसी चीज़ उन्होंने कभी की है जो कभी कोर्ट तक नहीं पहुँची है? और कितना उनके डेटाबेस के अंदर ऑडिट की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो खुद एग्री कर रहे हैं कि ये चीज़ गलत हुई और फॉर लास्ट 7 डेज वो बिल्कुल नहीं एग्री कर रहे थे, बट आज उन्होंने ये चीज़ मान ली। क्या काउंसलिंग इस पे मेरिट पर भी इसका असर पड़ेगा जिस तरह से 1500? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा, रैंकिंग पे पड़ेगा, रैंकिंग बिल्कुल। री एग्जाम के बाद ही रैंकिंग डिसाइड होगी, क्योंकि काउंसलिंग ये कह रहे हैं कि 6 जुलाई से करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि जब 23 जून वाला पेपर हो जाएगा जल्द से जल्द उसके रिजल्ट निकाल देंगे और उसके बाद फिर से सबकी रैंक सफल होगी बनेगा। पर हमारा मुद्दा अभी भी ये कि बहुत से बच्चे अपने समय का नुकसान रिपोर्ट नहीं कर पाए। इसके साथ साथ जो पेपर लीक का केस था उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो केस बिल्कुल खुला हुआ है, उसकी अगली सुनवाई होगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने पहली बार ये भी बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं बच्चों का एडमिशन हो गया, उसके बाद भी हमें गैप्स मिलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑल द पावर्स टू रिवर्ट एवरीथिंग। तो उन्होंने कहा मान लेते काउंसलिंग होती है, बच्चों का एडमिशन हो गया, कल को हमें कोई मुद्दा मिलता है, भले ही पेपर लीक हो या कोई और डिस्पेरेंसी हो, तो हमारे पास सारी पावर इन चीज़ों को वापस सही करने को। क्या आप लोग इस मामले को उठाएंगे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कि अभी भी विंडोज खुले हुए हैं? बिल्कुल, रिव्यू करते हैं, देखते हैं ऑर्डर क्या आता है उसके बेसिस पे, क्योंकि जो मुद्दे खुले हुए हैं उन पे कैसे आगे अप्रोच करना है लीगली, विल टेक अ कॉल ऑन दैट। नहीं, आई रियली थैंक्स रोहित जी, है ना, सबसे पहले सिंगानिया लॉ फर्म्स एंड देन आई थैंक्स जय साई दीपक जी, बहुत बहुत अच्छा आर्गुमेंट दिया। बाद में ग्रेस मार्क्स पर क्या ऑर्डर दिया? देखिए, आज एनटीए ने खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि जो उन्होंने ग्रेस नंबर दिए थे उससे बच्चों में डिससेटिस्फैक्शन हुआ, बच्चे प्रोटेस्ट पे आए और कहीं ना कहीं उन्होंने माना कि पहले कभी ऐसा नहीं है, पहली बार किया है, तो उन्होंने माना कि इसको हम हटा देते हैं ग्रेस नंबर को। हमारी 7 दिन से ये लड़ाई चल रही थी कि पहली बार आपने कैसे ग्रेस नंबर दे दिए, किस बेसिस पे आपने सोच लिया, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, और आपने जब रिजल्ट आया तो बताया नहीं, अब इससे मेरी प्रॉब्लम क्या क्या है। और उन्होंने जज एनटीए ने ये बोला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री किया है कि जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिले थे 1563, उन बच्चों का या तो री एग्ज़ाम हो जाए, जो कि इन्होंने डेट दे दी है कि अप्रॉक्सीमेटली 23 जून को, या तो वो बच्चे अपने बिना ग्रेस के जो नंबर हैं उस पर हैप्पी हो जाए, यानी उनका ग्रेस नंबर काट दिया जाएगा, ठीक है। अब री एग्ज़ाम हो उन बच्चों का जो देना चाहते हैं 1563 में से, और जो नहीं चाहते हैं उनका ओरिजिनल स्कोर रहेगा, फिर रैंक पूरी शफल हो, उसके बेसिस पे काउंसलिंग हो। पर इसमें मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं मेरे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आज एनटीए 7-8 दिन बाद आके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद एग्री करता है कि ग्रेस वाला जो पूरा हमने जो किया है ये गलत है, इसको हटा देते हैं, कहीं ना कहीं एग्री किया। सवाल ये उठता है ग्रेस दे के क्या उन्होंने खुद बताया था? नहीं बताया था। जब हमने 719 स्कोर पकड़ा, 720 तब बताना। तो क्या एनटीए और भी ऐसे बहुत चीज़ें करता है जो हमें पता नहीं चलती? क्या और डिस्परेंसीज है जो एक बार हमें अंदर घुस के देखनी चाहिए? ये तो पकड़ा गया 719 720 से, क्या ऐसे और भी मामले हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट का इशू है। दूसरा बात, उन्हीं बच्चों को ग्रेस मिला था और उन्हीं को री एग्ज़ाम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे एग्ज़ाम के बाद कि उनका समय का नुकसान हुआ है। बहुत सारा बच्चा माननीय हाईकोर्ट नहीं गया क्योंकि किसी को नहीं पता कि बाद में ग्रेस नंबर मिलते हैं, पहले कभी नहीं हुआ। और 18 साल के बच्चे को नहीं पता है कि मुझे पेपर लिखने के बाद अब हाईकोर्ट जाना होता है, तो मुझे लगता है यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। तीसरी बात, पेपर लीक का जो मुद्दा है वो ओपन है, उस पर सुनवाई होती रहेगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने खुद बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं एडमिशन भी हो गया और तब कुछ प्रूफ होता है, तो वी हैव ऑल द पार्ट्स टू रिवर्ट एवरीथिंग। सुनवाई हुई हमारी, हमने जनहित याचिका फाइल की थी अपनी स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, जिसमें हमने कई मुद्दे उठाए थे, जिसमें सबसे पहला हमारा मुद्दा था कि आपने शुरुआत से इसमें गड़बड़ियाँ की हैं। जैसे आपने इसका रजिस्ट्रेशन रीओपन किया है 2 दिन के लिए, उसका आपने कोई हमारे पहले से कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू किया। दूसरा इशू हमने ये रेस किया था कि जो आपने ग्रेस मार्क्स पेपर लीक का इशू था, और तीसरा ग्रेस मार्क्स का इशू था।
तो आज ग्रेस मास्क का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लेरिफिकेशन दिया, एक कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपियर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन सर एक सवाल और कि आखिर कोर्ट में ये बड़ी हार है एनटीए की उसने माना कि ग्रेस मार्क गलत दिए गए थे। जी मेरा मानना तो यही है कि हमारी ये छोटी सी तो जीत है आज की डेट में कि उन्होंने आके ये चीज़ कोर्ट में मानी कि हाँ ग्रेस मार्क्स गलत तरीके से दिए गए थे। उन्होंने एक कमेटी बनाई और उन्होंने सारा कैंसिल करके फिर से एग्ज़ाम करवाने के लिए बोला है। लेकिन अगर ये 1563 लोग फिर से एग्ज़ाम देंगे तो फिर से मेरिट या जो कहते हैं कि क्राइटेरिया उनकी रैंकिंग है फिर से डिसाइड होगी। ये इशू अभी भी हमारे पास ओपन है जिसको हम आर्ग्यू कर सकते हैं 8 जुलाई को कोर्ट के सामने। अभी हमारा इशू पूरी तरीके से क्लोज नहीं हुआ है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पिटीशन नहीं फाइल की थी, वो अभी भी कोर्ट के सामने नहीं है, तो उनका इशू अभी भी रेज होना बाकी है जो कि हमारे पास अभी भी ऑप्शन खुला हुआ है। हम 8 जुलाई को कोर्ट के सामने ये इशू ओपन करेंगे। श्वेतांक अब आप कर लो। मैं पिटिशनर अब्दुल्ला जी की तरफ से। द कोर्ट वी फाइल्ड PIL रिगार्डिंग दिस नीट एग्जामिनेशन। देर वर वेरियस इशूज विच वी हैव रेज्ड ऑन बिहाफ ऑफ lakhs of students. The main issue was this paper leak and the other malpractices which has been followed by the NTA. And now today they have admitted their mistake, stating that yes, those grace marks, regarding those grace marks, we are going to conduct the re-examination, which means there was something which was amiss and now they have taken note of it, and that's why the court has also directed that re-examination will be done on 23rd of June. चलिए हमारे साथ एडवोकेट